अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 14. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलहेल्म. मैनफ्रेड और थेक्ला का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? विलहेल्म. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. अब जो वर्कशॉप थी मैनफ्रेड की, जो उसके घर के पीछे थी, वहाँ पे विलहेल्म को बैठना बहुत पसंद था और अपने फादर को काम करते देखना पसंद था. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. वो अपने फादर की मदद करता था चीज़ें लाने में और चीज़ें उठाने में. ही लर्न टू क्लीन, उसने क्या सीखा वर्कशॉप में? लर्न टू क्लीन द टूल्स, जितने भी औजार थे उनको साफ़ करना सीखा और उनका ख्याल रखना सीखा. ही लर्न्ड, और क्या सीखा उसने? हाउ टू यूज़ अ सॉ, के आरी किस तरह चलाते हैं, एंड अ हैमर, हथौड़ी किस तरह चलाते हैं, एंड अ चीज़ल, चीज़ल कहती हैं छीनी को. एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसके दादा अबू ने, कौन थे इसके दादा अबू? कर्ट. टॉट हिम टू क्रेव वुड, उन्होंने इसे क्या सिखाया? वुड को तराशना, लकड़ी को तराशना, इंटू वंडरफुल शेप्स, अच्छी अच्छी शेप्स में. द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ, अब दादा अबू बहुत बूढ़े हो गए थे, एंड गेटिंग ओल्डर डे बाई डे, एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और हर रोज़ बूढ़े होते चले जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी यंग, अब वो इतने जवान नहीं थे. His eyes were dim, उनकी आँखें dim होने लगी थी. dim मतलब उनको कम कम नज़र आने लगा था. And he could not see well, उनको सही से नज़र नहीं आता था. Sometimes his hands shook, कभी कभी उनके हाथ कांपते थे. And sometimes he sat in a chair and nodded off, कभी कभी वो चेयर पे बैठते थे और सर हिलाते थे. Now dictation words. Fetching, chisel, wonderful, shook, and nodded off. Thank you, Allah.